हाय गाइस, एनएस ब्लॉग से सहजमल हॉक। आज एक थोड़ा सा मज़ेदार वीडियो लाएंगे, देख सकते हो आप लोग। ये मेरा चश्मा है, स्टाइल के लिए नहीं है, ये गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए लगाया मैंने। ये देख सकते हो, मैं गाड़ी के ऊपर ही बैठा हूँ। तो आज जा रहा हूँ मौसी के घर, जाते जाते वीडियो बनाएंगे और मौसी का घर दिखाएंगे। गाइस बने रहो वीडियो, एंजॉय गाइस। तो गाइस, मैं जहाँ पे खड़ा होके वीडियो शुरुआत किया है और वीडियो थोड़ा बनाया, और इसके आजू बाजू का लोकेशन देखो, ये ब्रिज के ऊपर हूँ मैं, ये देख सकते हो कितना ज़बरदस्त खूबसूरत जगह है, देख सकते हो आप। यहीं से स्टार्ट करते वीडियो, चलते हैं मौसी के घर, लेट्स गो गाइस। तो गाइस, मौसी के घर चलने के लिए गाड़ी तो स्टार्ट करना पड़ेगा, गाड़ी पे तेल बहुत कम है, पहले डिब्बू पे जाएंगे उसके बाद। तो गाइस, हम मौसी के घर जा रहे हैं, रास्ता शुरुआत किया है। पहले जाएंगे हम पेट्रोल पंप, जहाँ पे हम गाड़ी का तेल भरेंगे, उसके बाद मौसी के घर जाएंगे। Inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by. गाड़ी चलाते वक्त सामने आ गया बकरी, ये तो एक बाइक भी जा रहा, बकरी भी आया सामने, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। गांव का एरिया है पर रास्ता बहुत ज़बरदस्त है, कितना हाइट है रास्ते का, आप गाड़ी का पिछवाड़ा ऊपर फाल देते हैं, एकदम लाफा मारते हैं। गांव एरिया है पर क्या रोड है गाइस, देखो। तो गाइस, हम आते आते बहुत दूर आ चुके हैं, पेट्रोल पंप थोड़े आगे है, उसके बाद तेल भरेंगे, उसके बाद चलेंगे मौसी के घर। तो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो शेयर करो, और एनएस ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार, लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। आज देखो, रोड इतना खूबसूरत है, इतना अच्छे है, टोंग टोंगी पिलपिली गाड़ी, ये भी कितना स्पीड भाग रहा है देखो, मेरा बाइक पीछे पीछे जा रहा फिर भी उसको हरा नहीं पा रहा है। गाड़ी डथाई थे जी, उल्टन मारे हमें आगे जाएंगे। तो गाइस, हम आगे चलते हैं, नहीं तो गाड़ी मेरा ऊपर गिरेगा। साइड दो, साइड लग जाओगे। जैसे कि गाइस, पीछे जो रोड दिख रहा है इसी रोड से हम आया है, अभी आया है मेन रोड के पास। ये देखो मेन रोड है, ये जो रिक्शा जा रहा है, ऑटो ये जा रहा है, ये मेन रोड है, मेन रोड के पास हम लोग आया है। तो यहीं से हम सीधा जाएंगे तेल डिब्बू, जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ जाएंगे, फिर मिलते हैं मेन रोड पे। देखो आप, मेन रोड पे आप गाड़ी भागेगा। तो गाइस, हमने लिंग रोड मेन रोड पे चढ़ गया है और गाड़ी भाग रहा है, देखो गाइस। मेन रोड पे गाड़ी भगा के मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि रास्ता एकदम बराबर रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है गाइस। आप भी ट्रैवल करो मेन रोड पे 50-60 की स्पीड में, मैं तो 100 की स्पीड में भागूंगा।
ये पेट्रोल पंप आ गया है। पेट्रोल पंप पे हम अभी घुस रहा है। देखो सामने कितना गाड़ी रखा है तेल भरने के लिए, मैं भी तेल भरूंगा, उसके बाद चलूंगा मसी के घर। ये देखो पेट्रोल पंप देख सकते हो आप। अभी हम गाड़ी पे तेल लोड किया है, अभी चलते हैं मौसी के घर। तो तेल लोड हो गया है, हम चलते हैं मौसी के घर, चलो ना। तो गाइस हम यहीं पे बैठे बैठे मतलब खड़े खड़े सोच रहा हूँ मौसी के घर अभी कौन सा रोड से जाएंगे। यहीं से भी जा सकते हैं, यहीं से भी जा सकते हैं, अभी जाएंगे कहाँ से सोच रहा हूँ खड़े खड़े। और जगह दोनों भी बहुत ज़बरदस्त है, ये बाजू वाला भी, ये बाजू वाला भी, दोनों रोड एकदम ज़बरदस्त है। जाऊँ कहाँ से ये सोच रहा हूँ। तो गाइस फाइनल तो निकलना पड़ेगा कहाँ से जाऊँ, तो चलो देखते हैं। तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा एनएस ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मुझे। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, जितना लाइक सब्सक्राइब करो तो उतने आगे जाएंगे। आप लोग का दुआ में अगर आगे जा सकता हूँ तो गाइस सपोर्ट मी प्लीज़ गाइस, एंजॉय द वीडियो। तो गाइस मौसी के घर जाते वक्त रोड पे मेन रोड के बाजू में एक दुकान आता है, देखो इस दुकान पे मैंने अभी कुछ खाया। तो कहीं जाओ तो थोड़ा एंजॉय तो करना ही पड़ता है, इसलिए एंजॉय कर रहा हूँ, कुछ खाया रोड के बाजू में है। तो गाइस जहाँ पे दुकान है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके बाजू का भी लोकेशन दिखाता हूँ, आप देखो गांव का बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती है। आई लव यू प्रकृति, आई लव यू। गाइस फाइनली हम मौसी के घर पहुंच गए हैं, देख सकते हो मौसी के घर ये वाला है। तो गाइस बने रहो वीडियो पे, आगे भी दिखाते हैं मौसी का घर कैसा है। मौसी के घर ये देखो, घर का कोना है, ये देखो कैरम बोर्ड खेल रहा है। घर कैरम बोर्ड खेला अंशु तोरा, अरे देखो छोटे छोटे बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहा है, मौसी के बच्चे ये देखो कैरम बोर्ड खेल रहा है। मिलते हैं नहीं, देखो मौसी के घर पे मौसी के बच्चे कितना खूबसूरत डीजे बजा रहे हैं। देखो डीजे डीजे डीजे, ये डीजे को तो देख इंसान है, डीजे बजा रहे गरीब है, बहुत शानदार मालिक सर, क्या कहते हैं डीजे मालिक, डीजे मालिक, डीजे का मालिक है, डीजे का मालिक। घर में डीजे बज रहा है और बाहर बच्चे लोग मजे में क्रैम खेल रहा है। देखो क्रैम का वीडियो ले रहा हूँ, देखो गाइस थोड़ा मैं भी क्रैम खेलता हूँ गाइस। कैराम खेलो, कैराम कैराम, मौसी के घर पे कैराम, रेट को मारना चाहिए था, मार दे। तो गाइस आप लोग सोचते होंगे ऊपर झाड़ी पे क्या दिखा रहे हो, ऊपर झाड़ी पे है पान, मौसी पान तोड़ के दे रही है मेरी माँ के लिए, मौसी बोल रहे हैं पान लेके दो अपनी माँ के लिए। तो गाइस फाइनली हम मौसी के घर पे बैठा है, ये देख सकते हो मौसी के घर। और इस मौसी जो है ना बहुत प्यारी है, बहुत सारा मौसी है पर ये मौसी बहुत प्यारी है और मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं कभी कभी आती रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पे डीजे बज रहा है, वो उस रूम पे डीजे बज रहा है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा बराबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, एनएस ब्लॉग को सब्सक्राइब करना गाइस।